दोस्तों 40 साल जंगजदा अफगानिस्तान ने स्पोर्ट्स कार तैयार कर ली जिसका नाम मेडा 9 रखा गया है। देखने और सुनने वालों को यकीन नहीं आ रहा कि वो अफगानिस्तान जहां से हमेशा हमले धमाके और जंग की खबरें आती थी वहां आज एक स्पोर्ट्स कार मुतारिफ कराई गई है। यकीनन आप भी मेरी तरह हैरान होंगे। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। ये स्पोर्ट्स कार अफगानिस्तान के टेक्निकल एंड वोकेशनल डिपार्टमेंट के इन्वेंशन सेंटर की मदद से इन टॉप स्टूडियो नामी गैर सरकारी कंपनी ने मकामी इंजीनियर मोहम्मद रजा अहमदी के साथ मिलकर बनाई है। मोहम्मद रजा अहमदी का कहना है कि इन्हें ये कार बनाने में 5 साल का अरसा लगा। इस गाड़ी के बनाने के मराहल की वीडियोस और तस्वीरें भी रजा अहमदी वक्तन फवक्तन इन टॉप के फेसबुक पेज पर अपलोड करते रहे हैं, जिनमें अफगान इंजीनियर को गाड़ी पर काम करते हुए देखा जा सकता है। ये स्पोर्ट्स कार मुकम्मल तैयार होने के बाद काबुल के सड़कों पर बकायदा इसका ड्राइव टेस्ट लिया गया। बाज़ लोगों के ख्याल में ये कार अफगानिस्तान के बजाय कहीं और बनाई गई है क्योंकि इसका डिज़ाइन मुकम्मल एक इंटरनेशनल ऑटो इंडस्ट्री लुक दे रहा है, लेकिन इसे अफगानिस्तान के एक मकामी इंजीनियर ने डिज़ाइन किया है। मोहम्मद रजा अहमदी पर उम्मीद है कि इनकी ये तख्लीक कतर एग्जीबिशन 2023 में भरपूर तवज्जो समेटेगी। दिलचस्प बात यह है कि मुसलसल जंग और सियासी अदम इस्तेहकाम के शिकार अफगानिस्तान में ऑटो इंडस्ट्री नहीं है। यकीनन अफगान एक बाहिम्मत कौम है। अफगानों को अगर अमन और तालीम दी जाए तो मज़ीद ऐसे करिश्मे दिखा सकते हैं। बदकिस्मती से हमारे मुल्क पाकिस्तान की 75 सालों से मईशत नहीं संभल रही। मुल्क कर्जों के दलदल में डूबता जा रहा है, जैसे बार बार किसी दोस्त या रिश्तेदार के उधार मांगने से इंसान तंग हो जाता है, वैसे ही अब तो IMF भी कर्जा देने से हिचकिचा रहा है, जिससे मुल्क डिफॉल्ट होने के करीब है। इंडस्ट्रीज बंद हो रही है, महंगाई उरूज पर है। हम देख ले कि हमारे हमसाय ममालिक का आज कहाँ खड़े हैं और हम किस तरफ जा रहे हैं। 40 साल जंगजदा अफगानिस्तान स्पोर्ट्स कार लॉन्च कर रहा और पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के करीब है, ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारा चैनल सनज़र TV सब्सक्राइब कर ले। जज़ाकअल्लाह।